ये मैंने 3 आम लिए हैं, जिनमें 2 पके हुए आम हैं और 1 ही कच्चा आम लिया है। कच्चा आम लेना हमारा बहुत ज़रूरी है। ये मैंने छोटा लिया है इन दोनों आमों से, तो अब हम इनको छील लेंगे। तो आम मेरा ये कट कर तैयार है, मैंने छील कर इसको काट लिया है और अब मैं इसको कुकर में उबलने के लिए रख दूंगी। तो मैं एक कुकर ले लेती हूँ। और इसमें मैं करीब आधा गिलास लगभग पानी डाल दूंगी। और इसको हम ढक्कन लगाकर गैस पर रख देंगे। हम इसको लगभग 3 सीटी लगने तक पकाएंगे, जिससे हमारे आम अच्छे से गल जाएंगे। ये तो ये हमारे आम के अंदर 3 सीटियाँ लग गई हैं। ये हमारा अच्छे से गल चुका है। हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारा पका हुआ था भाई, पहले से ही पका हुआ है। ये हमारा कच्चा भी गल चुका है, कुकर में तो सारा गल ही जाएगा। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि अगर अभी हम इसको मिक्सी में पीसेंगे तो ये प्लास्टिक का होता है तो सही नहीं रहता, तो इसलिए इसको हम अभी थोड़ा ठंडा होने देंगे। और तब तक हम अपना सिरप बना लेते हैं। तो ये मैंने अपनी कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। इसमें मैं 1 कटोरी चीनी डालूंगी और इसी कटोरी से मैंने मेजरमेंट किया है, 2 कटोरी में पानी डाल लूंगी। इसको हम चीनी के घुलने तक अच्छे से पका लेंगे। सिरप को इसको हम अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए हमारा पकने लगा है। ये इसको हम लगभग 1-2 मिनट के करीब पकाएंगे। ये देखिए ये हमारा तैयार होने लगा है। तो ये सिरप हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसको हम गैस को ऑफ कर देंगे अभी और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर। तब तक हम अपने आम देख लेते हैं। तो आम हमारे ठंडे हो चुके हैं, ये इनको हम अब मिक्सी के जार में पीस लेंगे। सारा मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये मेरे आम पीसकर तैयार हो चुके हैं। मैं इनको एक छलनी से छान लूँगी, जिससे कि हमारा फाइन पेस्ट बनकर आए बिल्कुल। इसमें जो भी रेशा वगैरह होगा सब ऊपर रह जाएगा ये छलनी में, इसलिए हम इसको छानना ज़रूरी है। ये हमारा अच्छे से छन चुका है, ये देखिए। और अब हम इसमें अपना जो हमने सिरप तैयार किया था वो मिक्स कर लेंगे। इसमें हम ये सिरप मिलाते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। इसको जितना हमें पतला रखना है
हम उतना इसमें सिरप डाल देंगे। फ्रूटी हमारी जितनी पतली होती है हमें उतना इसको पतला रखना है, तो हम उतना ही इसमें सिरप डालेंगे। और चीनी हमने जो सिरप में डाली थी, जिस हिसाब से चीनी का हमने सिरप बनाया है, वो हमने दो आम पके हुए और एक कच्चा आम को ध्यान में रखते हुए ही हमने बनाया था। तो ये हमारा देखिए बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए हमारी फ्रूटी बिल्कुल तैयार है, बाज़ार में भी इतनी ही पतली फ्रूटी होती है और ये पीने में भी बहुत टेस्टी होती है, बच्चे इसको बहुत अच्छे से पियेंगे, बच्चों को ये बहुत पसंद होती है, बड़ों को भी बहुत पसंद होती है। तो ये देखिए हमारी बिल्कुल एकदम घर में हमने कोई इसमें कलर नहीं ऐड किया है, कुछ भी ऐड नहीं किया है, एकदम हमारी घरेलू फ्रूटी बनकर तैयार हुई है ये, इसमें बाज़ार का हमने कुछ भी नहीं मिलाया है। तो इसको मैं एक गिलास में पलट लूँगी। अभी ये हमारी हमने जो रूम टेम्परेचर पर ही ठंडी की हुई फ्रूटी है, आप इसको फ्रिज में रखकर ठंडा करके अच्छे से तब पीजिएगा, क्योंकि फ्रूटी ठंडी ही अच्छी लगती है। ये देखिए ये हमारी बिल्कुल बाज़ार जैसी फ्रूटी हमने घर में तैयार की है, इसमें बिल्कुल भी हमारे बाज़ार का कुछ भी हमने नहीं मिलाया है और ये एकदम बढ़िया एकदम टेस्टी फ्रूटी बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।